Hey everyone, this is Pooja and today I am going to solve the exercise 5A and chapter name is Exponents. तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई. तो आपको क्वेश्चन गिवन है -1/4 ब्रैकेट की पावर -2, उससे बड़ा ब्रैकेट की पावर -2 एंड सबसे बड़े ब्रैकेट के आगे -1. इट मीन्स आपको क्या दिया है, पावर ऑफ पावर एंड पावर ऑफ पावर. तो आपको पावर्स की पावर दी हो उस केस में हम क्या करते हैं, उन सभी पावर्स को मल्टीप्लाई. ठीक है, जब भी आपको पावर्स की भी पावर एंड उसकी भी पावर्स दी हो तो आपको उनको क्या करना होता है, मल्टीप्लाई. आप तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो. कैसे, -1/4, 2 2s are 4 और 4 1s are 4. ठीक है, अभी माइनस में आएगा प्लस में, माइनस कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है. तो माइनस माइनस क्या हो गया, यहाँ पे आके प्लस. ठीक है, और सिंप्लीफाई करने को बोला है तो हम क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट्स को हटा देंगे. इट मीन्स -1/4 -1/4 -1/4 इंटू -1/4. हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है. तो क्या हो जाएगा, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा. 4 को करो, 4 4 16, 16 4 64 एंड 64 4 286. कितना हो जाएगा, 286. अब नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, दैट मीन्स इवन नंबर है. इवन नंबर के केस में क्या होता है, आपका नेगेटिव नहीं आता. ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. आप देख सकते हो दोनों के बेसिस क्या है, सेम है, -3/2 है, -3/2. जब भी बेसिस सेम होते हैं तो यहाँ पे क्या होते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई. कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, या डिवाइड की, a/b/m / a/b/n = a/b/m-n. ठीक है, यहाँ पे वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी. अब क्या करेंगे, बेसिस सेम है तो उनको एक बार लेंगे सिर्फ. ठीक है, कॉमन. अब क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को माइनस कर देंगे. मल्टीप्लाई के केस में ऐड होता है और डिवाइड के केस में क्या हो जाती है, माइनस. तो ये हो जाएगा -3/2 की पावर -3. और हमारे एक्सपोनेंट्स कभी नेगेटिव नहीं होते तो हम उसको क्या करेंगे, पॉजिटिव. पॉजिटिव कैसे करते हैं, इसका रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/3. अब इसका रेसिप्रोकल कर दिया हमने, पावर्स क्या हो गई आपकी, पॉजिटिव. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई, 2 को 3 टाइम्स एंड 3 को भी 3 टाइम्स. 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2s are 4, 4 2s are 8. 3 को 3 3s are 9, 9 3s are 27. और नेगेटिव अंदर ये रहा, यहाँ आ गए. क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स नेगेटिव है, -, इट मीन्स ऑड नंबर. तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 8/27, राइट. अब थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, आपको दोनों के बेस सेम दिए हैं और बीच में डिवाइड का साइन है. इट मीन्स यहाँ भी क्या हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स माइनस. तो क्या हो जाएगा, -2/3 कॉमन हो गए, 7 - 4 इज इक्वल टू -2/3 कितना हो जाएगा, 3. अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 2s are 4, 4 2s are 8, 3 3s are 9, 9 3s are 27. वो भी नेगेटिव, बिकॉज पावर कितनी है ये आपकी, 3. 3 मीन्स ऑड नंबर, दैट मीन्स आपके जो नेगेटिव का साइन है वो रहेगा. क्लियर है, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 11. तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11. बाय व्हाट नंबर शुड -5^-1 बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज 8^-1. कि -5^1 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट क्या मिले, 8^-1. हमें इसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है बट वो नंबर हमें नहीं पता. जब हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड किसी के साथ करना हो और वो नंबर हमें ना पता हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, उसको हम कुछ लेट कर लेते हैं. उसको एक्स मान लो, वाई मान लो, जी मान लो. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें जो नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है वो हमें नहीं पता, उसको हम क्या मानेंगे, लेट द रिक्वायर्ड, इट मीन जिसके हमें जरूरत है.
रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, हमने उसे एक्स मान लिया, देन कितना हो जाएगा, हमें बोला है माइनस वन के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें, क्या मीन्स एक्स, हमने उसको एक्स मान लिया कि हमें रिजल्ट क्या मिले, एट रेज टू द पावर माइनस वन, क्लियर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, हमें वो नंबर फाइंड करना है कि इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, हमने उसको x तो मान लिया, हमें उस x की वैल्यू चाहिए ताकि हमें पता चले वो नंबर क्या है, तो x को हमें सेपरेट करना होगा। सेपरेट कैसे होगा, इसको यहाँ से शिफ्ट होना होगा, यहाँ पे क्या रेज टू द पावर माइनस वन, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, कोई भी नंबर चाहे वो मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस में हो, माइनस में हो, जब भी वो दूसरी साइड शिफ्ट होता है तो उसका साइन चेंज होता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो अब क्या हो जाएगा इन नंबर्स का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल कैसे करेंगे, ऊपर हो जाएगा वन बाय एट एंड नीचे हो जाएगा माइनस वन बाय माइनस फाइव, ठीक है, रेसिप्रोकल हो गया। अब जब भी नीचे के नंबर ऊपर जाते हैं तो वो भी उल्टे हो जाते हैं, रेसिप्रोकल हो जाते हैं, कैसे, एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन बाय एट मल्टीप्लाई ऊपर चला गया माइनस फाइव, नीचे आ गया वन, इट मीन्स आंसर कितना हो गया माइनस फाइव बाय एट, दैट मीन्स हमें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना था, इसके साथ अगर हम माइनस फाइव बाय एट मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, एट रेज टू द पावर वन, क्लियर है। अब इलेवन क्वेश्चन में, ट्वेल्व क्वेश्चन में आपको बोला है बाय व्हाट नंबर शुड माइनस थ्री रेज टू द पावर माइनस थ्री बी मल्टीप्लाई टू ऑब्टेन फोर, कि हम माइनस थ्री रेज टू द पावर माइनस थ्री के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें रिजल्ट क्या मिले, फोर, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम उस नंबर को क्या मान लेंगे, एक्स, लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, जो उसके साथ मल्टीप्लाई होना है, बिल्कुल सेम प्रोसेस अप्लाई हो गया, देन क्या हो जाएगा, थ्री रेज टू द पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू कितना मिला हमें, फोर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, हमें x को सेपरेट करना है, x इज इक्वल टू फोर अपॉन थ्री रेज टू द पावर थ्री, ठीक है। हम नेक्स्ट इज इक्वल टू फोर, अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे हम, सबसे पहले कितना हो जाएगा वन बाय थ्री रेज टू द पावर थ्री। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, फोर अपॉन थ्री को थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करो, थ्री थ्री जर नाइन, नाइन थ्री जर ट्वेंटी सेवन, अभी ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फोर इंटू ट्वेंटी सेवन बाय वन, और ट्वेंटी सेवन को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा वन जीरो एट, और डिनोमिनेटर में अगर वन हो तो उसे हम कंसीडर नहीं करते, दैट मीन्स जो हमने नंबर कलेक्ट किया था उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 108, कि थ्री रेज टू द पावर माइनस थ्री के साथ 108 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट्स क्या मिलेंगे, फोर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है बाय व्हाट नंबर शुड माइनस थर्टी रेज टू द पावर माइनस वन बी डिवाइडेड टू गेट सिक्स रेज टू द पावर माइनस वन, कि हम इसके साथ ऐसा क्या नंबर डिवाइड करें माइनस थर्टी रेज टू द पावर वन के साथ की हमें क्या मिल जाए, सिक्स रेज टू द पावर माइनस वन। 11, 12 वाले क्वेश्चन नंबर का प्रोसीजर अप्लाई होगा, जो नंबर हमें नहीं पता हम उसको क्या मान लेते हैं, x, तो लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी x, देन हमें क्वेश्चन में बोला था माइनस थर्टी रेज टू द पावर माइनस वन के साथ ऐसा क्या डिवाइड करें हमें रेज टू द पावर सिक्स का वन ये मिले, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, x को सेपरेट करना होगा, तो माइनस थर्टी रेज टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू सिक्स पावर माइनस वन, एक्स क्या है नीचे डिवाइड में है, नीचे इट मीन्स डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, हमें एक्स को सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, माइनस थर्टी रेज टू द पावर माइनस वन, अब सिक्स क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे सिक्स मल्टीप्लाई में है, सिक्स को अगर हम इधर लेके आएंगे तो सिक्स क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम क्या करेंगे, अब सिक्स को इधर ले आएंगे, सिक्स रेज टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू एक्स। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी जो नेगेटिव पावर्स है उनको पॉजिटिव करेंगे, कैसे, एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस थर्टी
इंटू सिक्स अपॉन वन, ये उधर जाता तो इसका रेसिप्रोकल, एक तो रेसिप्रोकल यहाँ हुआ वन बाय सिक्स, अभी उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा ऊपर जाकर सिक्स बाय वन, सिक्स फाइव जा थर्टी इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस फाइव। दैट मीन्स यही वो नंबर है जिसको अगर हम इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, सिक्स रेज टू द पावर माइनस वन। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है फाइंड एक्स इज दैट, आपको क्वेश्चन दिया है हमें इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, थ्री बाय फाइव रेज टू द पावर कितनी दी हुई है हमें, थ्री, नेक्स्ट थ्री बाय फाइव रेज टू द पावर दिया है हमें माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव रेज टू द पावर टू एक्स माइनस वन। ठीक है, सबसे पहले हम इस साइड देखेंगे हमारे बेस क्या है, सेम। आपने क्वेश्चन में नोटिस किया होगा सबके बेसिस क्या है, सेम। तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती है, एड। तो कितना हो जाएगा, थ्री बाय फाइव थ्री प्लस माइनस सिक्स इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव टू एक्स माइनस वन। अब क्या हो जाएगा, ये सिक्स में से थ्री रिमूव हुआ कितना बचा, थ्री, वो भी माइनस का बिकॉज सिक्स क्या है, बड़ा है। नेक्स्ट थ्री बाय फाइव रेज टू द पावर टू एक्स माइनस वन। तो जब आपके जब बीच में इक्वल हो और दोनों साइड के बेस सेम हो, सिंपल आप देख सकते हो यहाँ भी थ्री बाय फाइव है यहाँ भी थ्री बाय फाइव है, इट मीन्स दोनों साइड के बेस क्या है, सेम है। बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर देंगे, इक्वल। यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन नहीं है जो हम प्लस या माइनस कर देंगे, यहाँ इक्वल का साइन है। इट मीन्स अगर बेस सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। बेस इक्वल है थ्री बाय फाइव एंड थ्री बाय फाइव, दैट मीन्स इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। माइनस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन, ऐसे। ठीक है, अब हमें टू एक्स को क्या करना है, सेपरेट। माइनस थ्री माइनस वन इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का, और टू एक्स एज इट इज रह गया। अब थ्री में से वन रिमूव हुआ कितना बचा, माइनस टू इज इक्वल टू टू एक्स। अब x को पूरा सेपरेट करेंगे, x इज इक्वल टू टू बाय कितना हो जाएगा, टू। टू मल्टीप्लाई में था, यहाँ जाके क्या हो गया, डिवाइड, टू से टू कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस वन। क्लियर है यहाँ तक, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।